हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वहां पे हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की फॉर 1st ऑफ अगस्त। ये होने वाला है ट्यूसडे एंड फिन निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं मार्केट मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आज की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी का बिहेवियर है उसको दिखाऊंगा। देखिए, बहुत लोगों का कहना है कि एक बहुत अच्छा करेक्शन आना चाहिए मार्केट में जो बहुत टाइम से ड्यू है। अब मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा पहले का आपको डेटा दिखाऊंगा। अभी तक क्या होता था, मार्केट कभी भी एक अपरन में जाता है। देखो आप, इतना बड़ा बुल रन अभी तक आया ही नहीं है। देखिए आप, कितना ऊपर गया, नीचे तक आया, फिर करेक्शन दिया। ठीक है, एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर उसके बाद में करेक्शन था। ठीक है, फिर बहुत समय तक मार्केट साइडवेज टू डाउन डाउन साइड पे था। अब आप देखिए ये रन कितना ज्यादा लंबा हो चुका है। मार्केट डाउन साइड पे आना तो छोड़िए, अभी तक एक बार भी, ये मान के चलिए आप 21st ऑफ अप्रैल 2023, ठीक है, इतने दिनों से मार्केट जो है अपने सुपर ट्रेंड तक या 50 EMA तक आया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छी करेक्शन की जरूरत है मार्केट को, क्योंकि ऊपर भी बढ़ना है तो एक बार नीचे आना जरूरी है। बुक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट बिल्कुल जरूरी रहता है। तो आइए देखते हैं आज मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस था। देखिए आज की कैंडल जो बनी है, बिल्कुल मार्केट इस लेवल तक आया है। यहाँ पर ये देखिए, इस लेवल तक आया, 19,600 के लेवल तक आया, एंड यहाँ से मार्केट को एक शार्प बाउंस मिला है। यहाँ से लगभग 170-180 पॉइंट्स तक मार्केट ऊपर गया है आज। तो अब इस मार्केट सिनेरियो में हमारा ट्रेड सेटअप कुछ ऐसा रहना चाहिए कि या तो हमें इस एरिया में कहीं खरीदी करने को मिले, या तो वी बाय दी डिप और एल्स वी सेल ऑन दी टॉप। तो अब टॉप से सेल करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसी एरिया में बनेगी। देखिए आप, 19,830 के आसपास। ठीक है, और मार्केट अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो उसके बाद तो हम 20,000 तक फिर एक बार चले जाएंगे। लेट्स मूव टू द आर्ली एनालिसिस नाउ। ये आप देखिए, देखो अभी मार्केट में एज अ कॉल सॉरी एज एन ऑप्शन बायर अभी हमें पता है बहुत तकलीफ आने वाली है। रीजन ये है कि अपसाइड में हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस खड़ा है सुपर ट्रेंड के रूप में। ठीक है, एंड डाउनवर्ड्स में आप देखोगे, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये जस्ट नीचे सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो अगर आप, आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप यहाँ पे खरीद लो इस एरिया में, या तो फिर आप ये देखो अर्ली टाइम फ्रेम में देखो, आप लोग को यहाँ पे सेल करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग कल का ट्रेड प्लान कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं सारे लेवल्स अनलॉक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के दिन का जो लो है वो था 19,596, एंड जो हाई है वो है 19,772। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारा ट्रेड प्लान कुछ इस तरीके का रहेगा। देखिए कल हम मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगा जो हमने एक्शन लेवल मार्क करके दिया है 19,702। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को यहाँ तक आने देने का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे क्योंकि उन लोगों को लगेगा देखो ट्रेंड लाइन टूट गई। बट हम वेट करेंगे, मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करने देंगे। जैसे ही यहाँ पे हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है, लोअर लोज की बंद होती है, एक भी स्विंग हाई टूट जाएगा तो हम कॉल की पोजिशन लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,772, सेकेंड टारगेट रहेगा 19,821, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 19,869। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है मार्केट इन लेवल्स पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे जैसे ही अपनी पोजीशन में एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग इस एरिया के आसपास। ओके, लगभग यहाँ तक का आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 20 से 25 पॉइंट का, और इससे बेहतर रहेगा आप इस स्विंग लो को मार्क करके रखें, इसको अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। ये लेवल मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये है 19,675। ठीक है, तो ये है कल के लिए हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान। सेकंड क्या हो सकता है, मार्केट गैप अप ओपन हो। ठीक है, यहाँ पे हमें वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत छोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये सुपर ट्रेंड का 14 एंड 4 का जो सुपर ट्रेंड है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो काफी ज्यादा चांस है इससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो, एंड यहीं पे कहीं हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एंड हम अपने ट्रेड को लगभग 19,821 19,821 19,850 इस लेवल के आसपास स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी।
थर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारी बनती है कि मार्केट कल इसी एरिया में ओपन हो, इस लेवल तक आए। ये देखो, ये पूरा जो ट्रेंड है, ये अपवर्ड का जो मूवमेंट मिला है, इसमें लास्ट जो मेजर लेवल है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ के ही मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे। इसको मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखो, ये जो पूरा अप ट्रेंड है, लास्ट मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। देख रहे हो, ये लेवल को एक बार सपोर्ट लिया, नीचे आ गया, फिर इसी को एज अ रेजिस्टेंस देखा, फिर इसको तोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो क्या होगा कि कल हमें वेट करना होगा, अगर मार्केट इस लेवल तक आए, इसे तोड़ दे, यहाँ से ही रेजिस्टेंस ले एंड फिर ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे हमारा एक डाउनसाइड का ट्रेड बनता है। सेकंड, हमारा जो डाउनसाइड का ट्रेड बनेगा, वो बनेगा ये ऊपर वाले लेवल पे। ये देखो, ये एरिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमें वेट करना होगा मार्केट इसको ब्रेक करे, ऊपर तक जाए, ठीक है, डबल टॉप बना दे, इसका लो मार्क करके रखना है, यहाँ से डाउनसाइड का बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये R1 वाला एरिया है, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो काफी हाई चांस है मार्केट यहाँ पे जाके अपनी डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर दे। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। नाउ वील मूव अहेड टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी हम फटाफट डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये देखो, तो यहाँ का जो हमारे आज के दिन का हाई है, ये भी एक इनसाइड कैंडल बनी है। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग जानते हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, एंड इसके नीचे तो शॉर्ट शॉर्ट एक बढ़िया फॉल है ही। तो आज के दिन का जो हाई है वो है 45,697, जिसको 45,700 मान के चलिए आप। आज के दिन का जो लो है वो है 45,359। तो ये हमारे पास एक ब्रॉड रेंज आ गई है। काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट थोड़े दिन इसी रेंज के अंदर रहे, थोड़े दिन तो बोलना गलत रहेगा, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो काफी ज्यादा चांसेस है मार्केट इसको हल्का सा ब्रेक करे, फिर नीचे आ जाए, इसी एरिया में सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मिले, या कुछ इस तरीके का, बट रेंज यही फॉलो होने वाली है मार्केट में 1 2 से 3 दिन। ओके, लेट्स मूव टू द आर्ली टाइम फ्रेम। देखो, अब यहाँ पे निफ्टी के जैसा सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपसाइड में एक अच्छा खासा रूम बाकी है, क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड का जो आरडी रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है। तो कल का हमारा पहला ट्रेड जो बनता है, हम वेट करेंगे मार्केट इस लेवल को तोड़े, नीचे आए एंड फिर अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करे, तो यहाँ पे हम एक कॉल की पोजिशन बना सकते हैं। चलिए, बाकी के लेवल्स भी अनलॉक कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। दूसरा, हमारी कॉल की पोजीशन कहाँ बनती है, मार्केट अपने इस लेवल पे आए वापस, ठीक है, इसको टेस्ट करे, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, या फिर 2 से 3 बार इसको टेस्ट करे, लोज लगना बंद हो, जैसी कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है अपसाइड पे, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजिशन लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,697, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 45,864, एंड थर्ड टारगेट विल बी 45,990। ये दो हमारी कॉल की पोजीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। थर्ड पोजीशन क्या बनती है हमारी, कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। देखो, इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है, अपसाइड पे रेजिस्टेंस ले, 1 से 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, इस लो को मार्क करके रखना, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, डाउन साइड का एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको। तो ये लेवल मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 45,560 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल हो सकता है मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन ना ओपन हो, तो फर्स्ट 1 से 2 घंटे के अंदर इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा घूमे, प्रीमियम का डीके लगेगा एंड फिर किसी एक साइड पे या तो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। ओके, लेट्स मूव टू फिन निफ्टी नाउ। कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, एंड पर्सनली आई ऑल्सो लाइक टू ट्रेड इन फिन निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बन रही है, तो 20,400 एंड 20,192, इस दोनों लेवल्स के ऊपर और नीचे काफी अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। वी हैव कम टू द आर्ली टाइम फ्रेम।
यहाँ पे भी हम सारे लेवल्स अनलॉक कर लेते हैं। देखो आप स्क्रिप्ट कोई भी चीज करो, मूवमेंट लगभग सिमिलर ही रहेगा मार्केट में, बस उस मूवमेंट की इंटेंसिटी जरूर चेंज हो सकती है कुछ वेरिएबल्स के कारण, बट ऑल इन ऑल मार्केट का बिहेवियर जो रहता है वो सेम ही रहेगा। ये देखो आर्ली टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे भी कल दो ही सिनेरियो बनते हैं, सिमिलर सिनेरियोज है जैसे बैंक निफ्टी में है। पहली पोजिशन बनती है यहाँ पे आए, इधर इधर जो अपना प्रीवियस डे हाई का लेवल है 20,364, ठीक है, इस लेवल को टच करे ऊपर जाए, यहाँ पे हमारी कॉल की पोजीशन बनती है। सेकंड पोजीशन कहाँ बनती है, यहीं पे मार्केट को वापस टेस्ट करने आए, ये देखो यहाँ पे आए, ठीक है, इसको ब्रेक करे, यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे हम। तो ये दो सिनेरियोज हो गए, हमें कॉल कब लेना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ पुट की पोजीशन कहाँ बनती है। देखो हमें कोशिशें करनी है, ये देखो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, इस लेवल को एक बार ब्रेक करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इसको मार्क करके रखना है, जैसे नीचे आएगा हमें पुट ले लेना है यहाँ पे। ये आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आप लोगों को 20,300 तक का मिल सकता है, एंड अगर आप इस टारगेट के अलावा कोई दूसरा इंडिकेटर के थ्रू चाहते हैं तो कल क्या होगा, ये सुपर जैसे इसको ब्रेक करेगा ना तो सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाएगा, तो सुपर ट्रेंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है ग्रीन होके, या फिर यहाँ पे आता है, या फिर इस एरिया में आता है, तो आप सुपर ट्रेंड तक का भी अपना टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे। एंड पुट साइड की हमारी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनती है वो है इसी लेवल पे 20,300, मार्केट इसको ब्रेक करे रिटेस्ट के लिए ऊपर आए एंड फिर इसको ब्रेक डाउन दे, ठीक है, इस लेवल को मार्क करके रखना है। तो यहाँ पे भी आपकी एक अच्छी पुट की अपॉर्चुनिटी बनती है, इसके अंदर आपका टारगेट रहेगा 20,213 का। ओके गाइस, दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।